मैं आज आपसे बात करूंगा जो ऑफिस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर की बॉम्बे हाईकोर्ट में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें CA, CS, CMA, LLB की रिक्वायरमेंट है। इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए, इसमें देखते हैं डिटेल में क्या वैकेंसी है। इनका ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि CA, CS, ICWA और LLB की वैकेंसी है बॉम्बे हाईकोर्ट में। इसके लिए जो भी क्वालिफाइड CA, CMA प्लस LLB हैं, CS हैं, उनके लिए यहाँ आप देखिए कि CA के लिए इन्होंने बता रखा है कि CA फाइनल पास, यानी CA क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। 40,000 इनकी सैलरी बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी इन जो भी CA, CS, CWA हैं इनके 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी इनका आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो काउंट नहीं होगा एक्सपीरियंस में, यानी इसको एक्सक्लूड करके 2 साल का होना चाहिए सेम CS और CW के लिए। लेकिन एक चीज़ LLB के लिए अलग है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इन्होंने बताया कुछ स्किल्स बताया कि स्किल सेट क्या होने चाहिए, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एज वेल वर्बल होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, LR लॉजिकल रीजनिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल कन्वर्सेंट विद एक्सेल, हैविंग नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट रूल्स, एनी कैंडिडेट हैविंग मोर एक्सपीरियंस हायर क्वालिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई। एप्लीकेशन की लास्ट डेट इन्होंने बताई है 15 फरवरी 2021 तक, और जो आपको सबमिट करनी है वो इस मेल आईडी पे करनी है OLMUMESTT_2020@yahoo.com। इस पर आपको अपनी जो भी एप्लीकेशन इस पर शेयर करनी है। फिर बताया डिटेल टर्म कंडीशन जो भी है इस वेबसाइट पे ऑफिशियल लिक्विडेटर mumbai.com पे वेबसाइट मिल जाएगा, और जो इनका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ ऑफिस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। रिव्यू एंड ब्रीफ ऑफ कंपनी, जो कंपनी लिक्विडेशन में आएगी उसका रिव्यू करना है, प्रिपेयर ब्रीफ ऑफ द कंपनी, क्लेम को एडजुकेट करना है वर्कर्स का, क्रेडिटर्स का, स्टेक होल्डर का, जो लिक्विडेशन कंपनी है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है क्लेमेंट्स का, एंड एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑफिस अफेयर्स ऑफ कंपनी, लीजेज, असाइनमेंट एग्रीमेंट, बैलेंस शीट, स्टेचुरी रजिस्टर फॉर्म एक्सेट्रा, प्रिपरेशन ऑफ हाफ ईयरली स्टेटमेंट, अपडेटिंग द कैश बुक मैनुअली, फाइलिंग ऑफ ITR, एनी अदर अकाउंटिंग वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर बताया कि एनी अदर वर्क रिलेटिंग टू लिक्विडेशन प्रोसीडिंग एज डायरेक्टेड बाई हायर अथॉरिटी काउंसिल में भी रिक्वायर्ड टू अकाउंपनी इन द ऑफिसर्स वाइल अटेंडिंग द कोर्ट मैटर्स एसेट द लीगल। ये जो LLB वाले उनके लिए है, काउंसिल एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट, एफिडेविट, रिप्लाई, रिजॉइंडर, रिटर्न स्टेटमेंट एक्सेट्रा, एसोसिएट्स ड्राफ्टिंग काउंसिल्स आर एक्सपेक्टेड टू डू एनी अदर वर्क एज, मतलब उन्होंने बताया कि ये जो हम बता रहे हैं ये तो करना ही है, और कुछ आपको काम दिया जाएगा वो भी करना पड़ेगा। फिर ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल टू अटेंड द स्क्रीनिंग प्रोसेस। यहाँ फिर उन्होंने टर्म कंडीशन मेंशन की हुई है पोस्ट के लिए, क्या है एसोसिएट चार्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, कंपनी सेक्रेटरी, एसोसिएट CWA एंड LLB के लिए। और इसमें ये सब इनकी टर्म एंड कंडीशन है। फिर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने साथ में अटैच करके दे दिया है, तो ये लिंक, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ये एप्लीकेशन इन्होंने मांगी हुई कि फ़ोटो लगानी है, फिर आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कब आप CA, CMA क्वालिफाई किए थे, आर्टिकल से ट्रेनिंग कब की थी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस इफ एनी, कंप्यूटर लिटरेसी, मैनेजमेंट कोर्सेज, अकाउंटिंग नॉलेज, एनी अदर इंफॉर्मेशन करके, फिर आपको नेम, सिग्नेचर, डेट, प्लेस डाल के सबमिट करके जो ऊपर मेल आईडी बताती है उस पर सबमिट करनी है।